पूरा मार्केट हैंडक्राफ्ट है, मतलब यहाँ पे जो हाथों से बना हुआ सामान है वो सब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, 100% वही है, 100 तो नहीं कह सकता, हाँ ये है 90% हाथ का बना हुआ सामान है। अब हाथ के बने हुए लोअर टाइप मतलब पजामे टाइप हैं जो मनाली वगैरह में मिलता है ज़्यादातर, वही है गर्म। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घर पे और सब मज़े कर रहे हो गए। तो आज उठे बहुत लेट, 10 बज चुका और अब तो जाके उठे हैं क्योंकि रात लेट हो गए थे सोने में, गर्मी बहुत थी तो नींद भी नहीं आई। तो यार आज पेट ना कुछ अजीब अजीब सा हो गया, रात पता नहीं ऐसा कुछ खाया भी नहीं फिर भी, तो उससे सबसे पहले तो उठ के दवाई लेनी पड़ेगी कोई, तो वो तो चलो ले लेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आज ये डिसाइड हुआ है कि दिल्ली हट चलते हैं, पास में एक मार्केट है हौज पास के पास, तो फटाफट से मैं तैयार हो जाता हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हूँ। वैसे तो मन मेरा यही है कि वहीं दिल्ली हट में जाके वहीं पे ब्रेकफास्ट करें, और आज का वेदर कुछ ऐसा है, काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका आज, आज काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका नोएडा, 11:45 बज रहा है और टेम्परेचर 40 डिग्री हो चुका है यहाँ पर, मुझे लगता है आज ये 45 डिग्री से ऊपर ही जाएगा। लो तो तुम्हारा भाई तो हो गया तैयार, बस अब शैंकी भाई की बारी है, वो जल्दी से बाहर आ जाए और उसके बाद फटाफट से चलते हैं। वैसे ही आज हम काफ़ी लेट हैं, मतलब जीरा पानी पिया थोड़ा सा तो अब जाके पेट ठीक हुआ है, नहीं पता नहीं ऐसा हो रहा था अकड़ रहा था पेट आज ना, और मुझे पता है वो क्यों हुआ, रात मैंने एक मोमोज मतलब जहाँ मोमोज खाए ना वो मोमोज ठीक नहीं थे, आज से ध्यान रखूँगा कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं खाऊँगा, बट फिर भी वो भी साफ जगह थी ऐसा नहीं बहुत ख़राब जगह थी। तो चलो आज का ये भी है कि ब्रेकफास्ट भी मैं वहीं पे दिल्ली हट में जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ करने लग गए ब्रेकफास्ट तो बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि 11:30 ऑलरेडी बज चुका है। मेट्रो स्टेशन तो पहुँच गए, बस यहाँ से अब सीधी मेट्रो दिल्ली हट तक की होगी, दिल्ली हट तक की तो नहीं होगी, फिर पिंक लाइन से येलो लाइन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। मौसम का तो भाई दिल्ली हट मार्केट जाने के लिए टिकट भी लगता है, पीछे ये शैंकी टिकट ले रहा है इधर से, हमें पता नहीं था वैसे हम अंदर जा रहे थे सीधा यहाँ से, कोई टिकट दिया देखते कितने रुपए चार्ज है टिकट। तो मार्केट है यहाँ पे, मतलब अच्छा जैसे सरोजनी इस टाइप का ही छोटा सा मार्केट है, बट ये किसी को ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी है मतलब वही है सब लेडीज सामान ज़्यादातर, तो सस्ते में मिल जाएगी इधर। अब हाथ के बने हुए लोअर टाइप मतलब पजामे टाइप हैं जो मनाली वगैरह में मिलता है ज़्यादातर, वही है गर्म पे, ये दुपट्टे साड़ी सूट सब गर्ल्स आइटम है ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या 90% वही है। हर तरह के बैग मिल जाएंगे, हैंडक्राफ्ट बैग है, सारे हाथ के बने हुए बैग हैं और काफ़ी सारे हैं, एक छोड़ो 100 तरह के होंगे कम से कम, पेंटिंग कितनी प्यारी है और ये सब हाथ की बनी हुई है, इसमें ज़्यादातर भगवान जी की पेंटिंग है, गॉड्स की पेंटिंग है ज़्यादातर सारी, और एक नहीं सारी शॉप पे सब हैंडमेड है, पूरा मार्केट हैंडक्राफ्ट है, मतलब यहाँ पे जो हाथों से बना हुआ सामान है वो सब ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, 100 तो नहीं कह सकता, हाँ ये है 90% हाथ का बना हुआ सामान है, बाकी ज्वेलरी वगैरह हैं जो हैं तो इसमें सब एक जैसा ही सामान है ज़्यादातर सारी शॉप्स पे, मतलब एक छोड़ के एक, फिर ज्वेलरी की और फिर ये, मतलब गर्ल्स के लिए काफ़ी सही आइटम, सब भगवान के एंटिक पीस रखे हैं, मतलब उसके हैं ये शायद तांबे के पीतल के जिसे कहते हैं, तो भाई सब नेचुरल आइटम है जो अब वॉश में काम आता है, बॉडी वॉश के लिए हैंड वॉश फेस वॉश सब वही है। के अंदर खाने के लिए भी है कुछ ना कुछ, मतलब छोटी छोटी शॉप, और हमने सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, तो साउथ एक्सटेंशन में एक बंगाली स्वीट्स है वहाँ पे चल के छोले भटूरे खाए, बहुत बढ़िया है वो, वहाँ पे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे तो उसके, धूप इतनी तेज़ है ना पसीने निकल गए पूरी इतनी तेज़ धूप में, तो आगे मतलब देख भाई उधर कुछ खाने का भी है तो देख लिया कर, यहीं पर कुछ खाना हो तो खाएँगे अभी खाएगा, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बाकी कुछ है नहीं, 2-4 फॉरनर्स भी आए हुए हैं इधर, मतलब कुछ मतलब यहाँ पे कोई उनके लिए स्टॉल लगा हुआ है फॉरनर्स के लिए अलग, आसाम करके उसमें ही बैठे हैं ज़्यादातर सारे फॉरनर्स, यहाँ पे स्टॉल है खाने के सारे वहाँ तक उधर तक, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास। एक बात है यहाँ के हमारा पोपट हो गया, मेरे को तो लगा था काफ़ी अच्छा है पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है मार्केट में, कोई रौनक नहीं है, बस ये है कि अगर किसी को ज्वेलरी वगैरह या फिर
वुडन आइटम लेना है तो वही आ सकता है, बाकी तो भाई कुछ नहीं है खाने वाला। अभी यहाँ कुछ खाने बैठे हैं, देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो यहाँ बिल्कुल चाइनीज़ फूड की स्मेल आ रही है बहुत तेज़, बट मेरे हिसाब से साउथ एक्शन शायद मिलकर मैं बंगाली स्वीट से छोले भटूरे वगैरह खा लेते हैं। ये नीचे कोई बिल्ली है शायद, उसको खिला रहा है, ये देखो ये रही सो रही थी आराम से। जहाँ पे मतलब खाने बैठे हैं उसका आपको प्राइस की चिट्ठी दिखा देता हूँ कैसा है। ये कुछ इसके प्राइस हैं, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि यहाँ से साउथ एक्सटेंशन चले जाए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है खाने का, तो वहीं पे जाके खाएं कुछ ना कुछ। हैंडमेड ये खाने की चम्मच स्पून, ये तो डाइस है, क्यूब है, डाइस कह रहा हूँ मैं, क्यूब है। भाई घूम लिया जो घूमना था यहाँ पे, पूरा मार्केट देख लिया, कुछ नहीं है, सब हैंडक्राफ्ट का सामान है। अभी बस यहाँ से जा रहे हैं, अब कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत तेज, एक बज चुका। तो भाई जिसको आना है विज़िट कर सकता है, अगर आपको डेकोरेशन का सामान या फिर गर्ल्स को अपना कुछ जो भी लेना होता है सब कुछ है, पर एक बार बता दूँ लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई आप तो आना मत, अगर गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहते हो तो बात अलग है। अगर घर डेकोरेट करना हो तो काफ़ी अच्छा सामान है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कालीन हो गई। हाँ मैं वही कह रहा था, अगर भाई यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है कि लड़कों के लिए कुछ हो, बस यही है किसी को वैसे अगर घूमने फिरने आना है, और आना भी तो भाई मेरे हिसाब से दिन में बताना, धूप इतनी गंदी है बहुत, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप आना 4 बजे, 4 बजे के बाद ही आना, क्योंकि ये मार्केट में सब में ऊपर चादर लगी हुई है और तो कुछ नहीं है, तो अगर धूप में आओगे तो हमारी तरह पछताओगे आके। भाई स्पेशल मेट्रो से एक स्टेशन उतर के हम ये यहाँ पे बंगाली स्वीट पे सिर्फ छोले भटूरे खाने आए हैं, आपको दिखाता हूँ कितने मस्त रहते हैं यार। स्पेशल ये छोले भटूरे खाने आए हैं यहाँ पे, और भाई इसके छोले भटूरे एक नंबर, पूरी ये साउथ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली एक्सटेंशन। भाई छोले भटूरे खा लिए, पेट ऊपर तक यहाँ तक गले तक फुल हो गया, और जबकि मैंने आधा भटूरा छोड़ा, इतने हैवी रहते हैं। बट यार इसने ना काफ़ी महंगे कर दिए अपने छोले भटूरे पहले से, और मतलब स्वाद तो चलो वैसे का वैसे है तो इतना वो नहीं लगता। मैं पिछले एक साल बाद आया हूँ मैं इस पर खाने वापस, पिछले साल आया था क्योंकि यहाँ आना ही नहीं होता। आज भी बस ये था कि हम थोड़ा एक स्टेशन पास में थे तो हमने कहा चल भाई खा लेते हैं, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। भाई नीचे मेट्रो स्टेशन वहाँ के सुकून मिला, बस अब यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं क्योंकि भाई बहुत थक गए और पेट भी फुल हो चुका गले तक, कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा घर जाके आराम करेंगे और शाम को देखते हैं कहाँ पे जाना है। मन तो ये कर रहा है कि बस यहीं पे गद्दा डाल के और सो जाओ, एक हवा इतनी ठंडी लग रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। पता नहीं क्या वो वॉशरूम करने गया, अंदर क्या करने गया, अभी तक आया नहीं, दिमाग ख़राब कर दिया इसने तो, मुझे लगता है अंदर जाके बैठ गया है पागल आदमी। और भाई मज़ा आ रहा है, इतनी मस्त हवा लग रही है ना, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा 1% भी, क्योंकि एक तो स्टेशन ही इतना खाली है, वरना यहाँ भीड़ रहती है, आज पता नहीं कैसे क्या खाली है, बढ़िया है चलो जो भी है। भाई वैसे तो हमें घर जाना था, बट शेंकी के अभी इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया था कि अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, तो बस ये वहीं पे आए हैं हम, काफ़ी दूर मोती नगर, हमारा मतलब वहाँ से तो 15 मिनट का रास्ता था घर का, बट अब 1 घंटा ट्रैवल करके हम यहाँ पर आए हैं, तो बस अब ये है इसका सर्टिफिकेट मिल जाए जल्दी से। इसने अपनी किसी जॉब के लिए इंटर्नशिप करी थी तो उसी का सर्टिफिकेट लेने आए थे यहाँ पे, अब वो इसको नीचे मिलता है, कहाँ पे कॉलेज वहाँ पे जाना है उसके, जहाँ पे वो नहीं, वो कह रहा है नीचे यहीं पे पास में मेट्रो से उतर के वो आ रहा है इसको। चल भाई अच्छा है, इसको इसका कागज़ कुगज मिल जाएंगे और क्या मिल गया, इसका पर्चा इसके हाथ में आ गया, लो पूछ रहे हैं इतने दूर ले जाए 1 घंटे का सफ़र लगा के, सिर्फ नीचे उतर के दे दिया, वापस जाना पड़ेगा 1.5 घंटे का रास्ता है। भाई वहाँ से आने के बाद सीधा हमने कुछ नहीं, हमने बिस्तर पकड़ा और लेट गए थोड़ी देर 1.5 घंटा, अब टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है, और नीचे बस हम नीचे चाय पीने जा रहे हैं दोनों कि चल यार थोड़ा सिर में दर्द हो रहा, आज पूरे दिन धूप में ना हालत ख़राब हो जाती है, तो बस वही अब चाय पी के सीधा आके अपना मैं वीडियो एडिट करूँगा और अपलोडिंग पर लगाऊँगा, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दूँगा।
अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि वैसे ही बहुत लंबा हो गया होगा। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। तो मिलेंगे कल को ऐसे ही अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय चलो।